दिल्ली में आज वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शिरकत की। दिल्ली में वन महोत्सव 9 जुलाई से 20 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली बहुत हरा भरा शहर है, सड़कों के चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। दिल्ली का 23% हिस्सा पेड़ों से घिरा हुआ है, या तो वहां पर वन है या पेड़ है। लगभग 1/4 हिस्सा हरियाली में घिरा है। वहीं दिल्ली का विकास भी तेजी से हो रहा है। आज सब बच्चों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब लोग वन महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा अभी बताया गया कि दिल्ली में 9 जुलाई से 20 अगस्त तक के लिए वन महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में जुलाई और अगस्त में वन महोत्सव मनाया जाता है। आज मुझे और उपराज्यपाल महोदय को आपके साथ वन महोत्सव में शिरकत लेने का मौका मिला। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। दिल्ली बहुत हरा भरा शहर है। अभी मैं और एलजी साहब जब आ रहे थे, सड़कों के दोनों तरफ जब हम देखते हैं, सड़क के बीच में देखते हैं, खूब चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। दिल्ली का 23% हिस्सा, लगभग 1/4 दिल्ली 23% पेड़ों से कवर्ड है। या तो वहां पे वन है या वहां पे पेड़ है, तो लगभग 1/4 दिल्ली पेड़ों से कवर्ड है। अच्छी बात यह है कि एक तरफ दिल्ली का विकास हो रहा है। अमूमन पूरी दुनिया में देखा गया कि जब भी किसी शहर का विकास होता है, नई नई इमारतें बनती हैं, सड़कें बनती हैं, तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर पेड़ काटने पड़ते हैं। और जब पेड़ काटे जाते हैं तो उस शहर की हरियाली कम होती जाती है। दिल्ली में ऐसा नहीं कि विकास कम हुआ, दिल्ली की विकास की गति तेज होती जा रही है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली का ग्रीन कवर कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब दिल्ली का जो विकास है वो एक रेस्पॉन्सिबल विकास है, इको फ्रेंडली विकास है। अभी जैसे बताया गया कि 2001 में दिल्ली का केवल 10% हिस्सा ग्रीन कवर में आता था, 2014 में लगभग 20% हिस्सा ग्रीन कवर में आता था, और आज 23% हिस्सा ग्रीन कवर में आता है। पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े शहर आप ले लीजिए, कलकत्ता, बंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, कोई भी बड़ा शहर ले लीजिए, सारे बड़े शहरों में सबसे ज्यादा ग्रीन कवर दिल्ली के अंदर माना गया है। उसको एक तरह से पर कैपिटा में मानते हैं कि प्रति व्यक्ति ग्रीन कवर कितना है, तो पर कैपिटा ग्रीन कवर सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर है। और अपने देश की बात तो छोड़ो, लंदन और न्यूयॉर्क से भी ज्यादा ग्रीन कवर दिल्ली के अंदर है। ये हम दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े फक्र की बात है। लेकिन खुश होना है, एनकरेज होना है, लेकिन हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, इसको और बढ़ाना है, इसे और आगे लेके जाना है। अभी 23% हुआ है, तो 1-2 साल के बाद इसको 25% पे भी लेके जाना है। आज एक और बड़ी खुशी की बात है कि 5.5 लाख पेड़ एक साथ पूरी दिल्ली में 5.5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। और हमारी पूरी दिल्ली ने इस बार ठाना है कि इस साल 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने हैं दिल्ली के अंदर। हम 21.5 लाख पेड़ लगाएंगे, 73.5 लाख श्रब्स लगाएंगे, और 7 लाख के करीब हम फ्री में बांटेंगे ताकि सब लोग लगाएं। और अभी तक इस साल 27.5 लाख पेड़ पौधे लगा चुके हैं हम लोग। 1 करोड़ का टारगेट है। अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 महीने हुए हैं। 3 महीने के अंदर ऑलरेडी हम 27.5 लाख लगा चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या आज एयर पोल्यूशन की आती है। हमारी हवा काफी दूषित होती है, लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि पिछले 7-8 साल के अंदर, 2015 में एयर पोल्यूशन का जो लेवल था और 2023 में आज एयर पोल्यूशन का जो लेवल है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है। 30% पोल्यूशन कम हुआ है। ये अच्छी चीज है कि जो हम काम कर रहे हैं इसका मतलब उसका असर हो रहा है।
दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके जितने भी कदम उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी दुनिया के स्तर पे देखो तो दिल्ली अपना काफी पीछे है, अभी भी बहुत पोल्यूशन है, उसको कम करना है। आज से कुछ साल पहले 106 दिन साल में ऐसे होते थे जिसमें हवा साफ होती थी, ये बढ़ के अब 163 दिन हो गए जिसमें हवा साफ होती है। मेरे को याद है 2017-2016 में नवंबर के महीने में इतना पोल्यूशन हो गया था, इतना कि वो जो पोल्यूशन मापने वाला मीटर है वो भी 1000 तक होता है, 1000 क्रॉस कर गया था, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया था। लेकिन अब पोल्यूशन 300-400 मैक्सिमम कभी कभी जाता है 3-4 दिन के लिए साल में, तो इतना ही जाता है। अपने को एयर पोल्यूशन को भी कम करना है और दिल्ली को दुनिया का सबसे साफ सुथरा शहर बनाना है।